नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं खोराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर खोराम झटपट। सवर्ण को 10% आरक्षण मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। रांची के अशोकनगर से फर्जी महिला कलेक्टर गिरफ्तार, अरगोड़ा पुलिस ने दबोचा। धनबाद जेल में शिफ्ट होंगे पूर्व MLA संजीव सिंह, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। रांची के सोनरेखा नदी से NDRF ने खोजा पवन का शव, कल नहाने के दौरान डूब गया था। बोकारो स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, हॉट मेटल ले जाने के दौरान हुआ हादसा। सरायकेला पुलिस ने 93 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 7 युवकों को दबोचा, रांची से भी जुड़े हैं तार। पलामू में परिजनों ने बाल कैदी को रिमांड होम को सौंपा, भाग कर पहुंच गया था घर। रांची के सिकिदरी में दूसरे लड़के से बात करती थी प्रेमिका, प्रेमी ने मार डाला। लूट की मोबाइल के साथ रांची पुलिस ने 2 को दबोचा, पैदल घर जा रहे शख्स से लूट लिया था मोबाइल। गोपालगंज पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात मुन्ना मिश्रा, AK-47 और कई जिंदा गोलियां बरामद। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा, 36 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल जारी होगा SSC 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट www.cisce.org पर देख सकते हैं रिजल्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। पेगासस केस में राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना, मांगा इस्तीफा। असम में होगी शराब की ऑनलाइन बिक्री, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। DRDO ने 3 दिन में दूसरी बार किया आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण, सतह से हवा में वार करने की क्षमता। भोपाल में गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की हुई शुरुआत। हरियाणा जम्मू कश्मीर समेत 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नियुक्त, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। स्कूलों को खोलने के सवाल पर बोले CM अरविंद केजरीवाल, वैक्सीनेशन के बाद लेंगे कुछ फैसला। 27 जुलाई तक जेल में रहेंगे राज कुंद्रा और रेयान थोरपे, पोर्नोग्राफी केस में हुए हैं गिरफ्तार। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।